से और अपने नौजवानों से बात करना चाहूँगी कि ये जो दौर है इंडिया का, ये जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, ये वो दौर है जो हमें ऊंचाइयों से मिलवाएगा। मेरा भारत महान हम सुनते आ रहे हैं और वाकई ये वक्त वो है जब हम अपना मेरा भारत महान करके दिखा देंगे। तो नौजवानों, मेरी आपसे ये गुजारिश है, अपील है कि आप अपनी जो अलग आपकी हिम्मत है उसको इस काम में लगाइए, भारत के उस निर्माण में लगाइए, और ये सोचिए कि आपको नफ़रतों में नहीं सोच डालनी है, नफ़रतों में नहीं, आप एकता को मजबूत कीजिए, अपने काम में लगिए। कहाँ आज आईटी जा रही है, कहाँ आज पढ़ाई आपकी जा रही है, उस तरफ ध्यान लगा के, क्योंकि आने वाले समय में आप ही इस देश के करणधार होगे, आप ही इस देश के नेहरू बनोगे, आप ही इस देश के होगे गांधी। महिलाओं से मेरी अपील है कि ये जितने भी नेहरू, गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जितने बड़े बड़े पीर, पैगंबर, औलिया, अंबिया पैदा हुए, वो आपकी कोख से ही पैदा हुए, तो आपको तो सलाम है, आपको सलाम है इस कौम को बनाने के लिए। ये कहा जाता है अगर एक महिला पढ़ती है तो पूरा एक परिवार पढ़ता है, तो अपने बच्चियों के, अपनी लड़कियों के पढ़ाई पर जोर दीजिए, उनके अंदर बिल्कुल जितनी भी पॉजिटिव थिंकिंग है, जो अच्छे विचार हैं वो लाइए, जो भी हमारे धर्मों ने कहा है, वो चाहे कोई भी धर्म हो, सब ने अच्छी बातें सिखाई हैं, तो उन धर्म की प्रवृत्ति डालिए बच्चियों में, और उनको इतना मजबूत बताइए कि वो कभी भी किसी खतरे का सामना करने के लिए तैयार हों।